कांग्रेस विधायक और कर्नाटक के पूर्व मंत्री तनवीर सैद पर हुए हमले के पीछे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया का हाथ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने कहा कि विधायक पर हमला करने वाले संगठन को पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के समय में संरक्षण दिया गया था। येदुरप्पा ने कहा कि कांग्रेसी विधायक तनवीर पर हमला करने वाला मकबूल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सदस्य है। पीएफआई एक कट्टरवादी इस्लामिक संगठन है जिसे कांग्रेस की सरकार के दौरान संरक्षण दिया गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस जांच से यह पता चला कि तनवीर को मारने के लिए किए गए हमले में शामिल कट्टर इस्लामिक संगठन को कांग्रेस के शासन के समय संरक्षण दिया गया था, जिसके कारण इस संगठन पर रोक नहीं लगाई गई और इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जिम्मेदार हैं। ध्यान रहे कि कर्नाटक में होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री पर हुए जानलेवा हमले के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस राज्य में कानून और व्यवस्था का मामला उठा रही है तो दूसरी तरफ भाजपा नेता इस हमले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा के इस बयान से कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।